चरणों में कोटि कोटि नमन। तथागत गौतम बुद्ध को प्रणाम। साथियों, हमारे विभिन्न शाखाओं से आए हुए साथीगण, जोनल एवं मंडल सचिव पासवान जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष बलवंत साहब, हमारे कोषाध्यक्ष मनराज और एडिशनल सेक्रेटरी मंडल चंद्र कुमार रजक जी, मैं शिवमंगल मंडल अध्यक्ष। हमारे साथियों ने सारी चीजें जो एसोसिएशन के विकास के लिए, उसको उत्तरोत्तर प्रगति के लिए यह संस्था क्या काम कर रही है, एक एक ने सबने बातें रख ली हैं और हमारे उपस्थित साथी सभी उसको समझ गए होंगे। तो संस्था ऑल इंडिया एसिस्टेड रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन लगभग 1959 से अपने SC/ST एम्प्लॉय के लिए कार्यरत है और बराबर काम कर रही है। संस्था का जो है एक बायलॉज है, जो भी सदस्यगण है बायलॉज को पढ़िए और उसको अच्छा सा पालन करिए। खासकर प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि अभी दो दिन पहले मैं आपको छोटी घटना बताऊंगा। ELS में चर्चा चल रही थी, अरे फला तारीख को 29 तारीख को जोनल जो है वर्किंग प्रेसिडेंट आ रहे हैं और उसमें क्वार्टर कमेटी के लिए कौन कौन नाम देना चाहते हैं, उन्होंने लिखा आप जो है यूनिट हैं तो हमेशा प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे। प्रोटोकॉल सिस्टम है, ऊपर से चाहे लीजिए चाहे नीचे से लीजिए। हमारी ब्रांच शाखाएं डायरेक्ट जो है एम्प्लॉय से SC/ST एम्प्लॉय से संपर्क रखेंगी, वो उनको बात देंगे। ब्रांच अगर वहां पर सॉल्व कर पाता है उस मैटर को, तब तो ठीक वहां खत्म हो गया। ब्रांच अगर नहीं सॉल्व कर पाता है तो उस मैटर को डिवीजन को देगा, डिवीजन उसको जो है डिवीजन लेवल पर हल करेगा। मुझे मालूम है लगभग 99% जो है 100% डिवीजन में होते, जो पॉलिसी मैटर रहते हैं वो आगे हमारे निकल करके जोन में जाते हैं। जोन भी पॉलिसी मैटर डिस्कस कर सकता है, क्यों फॉरवर्ड करेगा, फिर CEC जाता है। तो यदि हमें बात भी करनी है तो ब्रांच पदाधिकारी डिवीजन लेवल मतलब वन स्टेप अबव ही बात करें, चाहे रिटेन में हो चाहे वर्बल हो, डिवीजन लेवल के पदाधिकारी जोनल लेवल के जितने हमारे ऑफिस में उनसे बात करेगा और जोनल स्वतः जो है CEC से जो है सेंट्रल बॉडी से बात करेगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी मैटर आपका मान लिया ब्रांच लेवल का है सीधे जोन लेवल पर नहीं फॉरवर्ड करेंगे ना आप उसे संपर्क करेंगे, क्योंकि एक एम्प्लॉई अपनी ब्रांच पदाधिकारी से बात नहीं करेगा वो हमारा मेंबर है या नहीं है उसका मैटर नहीं है, कम से कम हमारे संगठन के प्रति वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ब्रांच अगर उस समस्या उसको देता है, ब्रांच हल कर लेती है, तो डिवीजन है जोन तक जाने की सवाल नहीं उठता है। लेकिन पता चले उसने ना तो ब्रांच के पदाधिकारियों को बताया ना डिवीजन के पदाधिकारियों को बताया, सीधे जोन वाले को रिंग कर रहा भाई मेरा एक काम नहीं हो रहा, अरे भाई हो सकता नीचे साल हो जाता, AN लेवल का है जो भी हमारा बैठता है ब्रांच में वहां साल हो सकता है। तो ये चीज को प्रोटोकॉल का बराबर ध्यान रखेंगे, जिस जो जिस समय एक स्टेप ऊपर ही बात करें। दूसरा कनेक्टिविटी, आज हम लोग मोबाइल की दुनिया में हैं, एक मैसेज बनाइए या आपने जो चिट्ठी लिखी है अपने नीचे वाले शाखा कर दे, वो हो रहा नहीं होगा तो क्या करे, ऊपर फॉरवर्ड कर देगा, सिस्टम से आएगा, यहाँ टाइम नहीं लगता, सारे बैठे सारे अधिकारी मिल जाए वर्किंग डे में रहेंगे और समय भी नहीं लगता, कोई मना भी नहीं करता, मैक्सिमम टेबल टू टेबल बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जो डिपेंड करता है सिस्टम में या रूल की रूल रेगुलेशन में अगर है तो आपके काम कोई नहीं रोक सकता। रूल के बाहर की बात करेंगे तो साल होंगे लेकिन समय लग सकता है, क्योंकि उसी हिसाब से उनका जो सलूशन होगा। और कनेक्टिविटी तो आप एक फोन की दूरी पर हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, कभी मैसेज डाल सकते हैं, चाहे तो आप अपना ग्रुप क्रिएट कर ले ब्रांच लेवल पर और ब्रांच लेवल में सबको डिवीजन से जोन को सबको जोड़ दिया सर एक साथ कनेक्ट हो जाए और सिस्टम। और जब भी जो है एसोसिएशन के और जो है आप जो है मास्टर सर्कुलर 65 सभी पदाधिकारी पढ़ेंगे, जो भी प्रदत्त सुविधाएं हैं एसोसिएशन को सारी उसमें मेंशन है, उन्हीं में आप वही सुविधाएं आपको मिलेगी, उनके अलाहिदा बांध करोगे तो एसोसिएशन के व्यक्तिगत तौर पे आपको कोई भी कुछ कर सकता है वो अलग। तो मास्टर सर्कुलर 65 सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, बायलॉज बराबर पढ़ते रहेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, कोई नहीं हमारा यहाँ बैठा आदमी इसी से बात करेगा,
नंबर तो सबके उपलब्ध है, लेकिन जो है प्रोटोकॉल का बराबर ध्यान रखें। मैं बाकी सब सबसे उम्मीद करता हूं कोरोना काल के जो है दो साल के गैप में जो भी संस्था जहां तक नहीं पहुंच पाए, धीरे धीरे सारी गतिविधियां पटरी पर आ गई हैं। मैं सचिव महोदय से और हमारे वर्किंग पर्सन सभी के ऐसे समय निकालेंगे, एक एक ब्रांच का विजिट किया जाएगा और जितना संभव होगा सब तक पहुंचने का, ग्राउंड लेवल पर पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। और एक बार फिर संस्था जिस गति से थी कोरोना काल के पहले उसी गति पकड़ेगी और बराबर काम करेगी। काम तो बता दिया, प्रचार इसलिए नहीं करता, होता क्या किसी काम को प्रचार किया। अभी साइमन गंगवार का जैसे केस था डालेंगे तो क्या करता है, किसी भी केस में अदर जो है लोग हैं जो जनरल वाले हैं तो क्या करते हैं, उसको अप्रोच करता है, जा करके चेंबर में बोल देगा तो पता चलो तुम्हारा काम एक हफ्ते में हो जाता। उस चक्कर में होता क्या, साला 15 दिन फिर उसको कन्विंस करना पड़ेगा नहीं ऐसा नहीं है, और तो घुमा के बोल देगा काम डिले हो जाता। ये सारी चीजें हैं। तो काम संस्था पहले भी करती थी, अभी भी करती थी, अभी भी करेगी, वो आगे करेगी। मैं उम्मीद करता हूं हम सब जो है सिस्टम में रह करके संस्था को उत्तरोत्तर और बढ़ाएंगे। जिस गति से जो कोरोना काल पहले संस्था काम करती उसी गति से काम करेगी। सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय भीम।